पानी जांच करना है। इस गांव के लोगों ने बहुत प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और बहुत ज़्यादा गाली भी दिए हैं। आप पूछो क्यों? पानी निकालने के लिए जितना प्रयास किए हैं उससे ज़्यादा ये लोग प्रयास किए हैं बुलाने के लिए। मेरे यहाँ से बहुत दूर हो जाता है इसलिए मैं यहाँ नहीं आ रहा था। दूर वाले जगह में जाने से मैं थोड़ा से बचता हूँ, बहुत दूर हो जाता है तो आने जाने में समय खराब होता है, स्वास्थ्य भी थोड़ा से ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ की समस्या ऐसी है, ये लोग बोले कि आना ही पड़ेगा, नहीं आता तो उल्टा सीधा भी सुनाते थे, सुनता था क्योंकि इनकी समस्या ही वैसी थी। फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि वहाँ इतनी बड़ी समस्या है इस गांव में, तो नहीं जाऊंगा तो भी नहीं बनेगा, तो मैं आज समय निकाल कर यहाँ आया हूँ और पानी जांच करूँगा। अब पानी है कि नहीं है ऊपर वाले की मर्ज़ी है, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, रहेगा तो बता दूंगा भैया है नहीं है, तो बोल दूंगा कि नहीं है, स्पष्ट है, लेकिन अंधेरे में नहीं रखूंगा यार, मेरा ये आदत है। तो यहाँ हम इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ पानी जांच करेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ पानी है और किस रूप में पानी है भी कि नहीं भी है, उसको देखते हैं। तो चलो भाई इधर से शुरू करते हैं अपन। अब लोग पूछते हैं कि कहाँ से शुरू करें कहाँ अंत करें, तो भाई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ से शुरू करें वहीं से अंत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले देखना है कि अब आगे बढ़ने से पहले कि हमारा दिशा क्या है, नारियल क्या बता रहा है। नारियल बता रहा है गीला है ज़मीन, ये तो धार बता रही है, ये तो धार है यार, जहाँ शुरू कर रहे हैं वहीं धार है पानी का। ये गांव के लोग कैसे फिर धार को नहीं पकड़ पाए, ये तो धार है पानी के, ये अब देखना है, अच्छा से दिखा देना भाई, मैं बैठ रहा हूँ, देखना ये गड़ाए हुए हैं, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ ड्राई है, मतलब नमी है। अब ये देखना, ये देखना पकड़ रहा हूँ, ये तो ये जहाँ पर है ये यहाँ पानी है, यहाँ तो बिल्कुल आराम से 2-3 HP का पानी चल जाएगा, फिर पता नहीं कैसे यहाँ पकड़ नहीं पाए हैं। तो हमारी स्टार्टिंग में है जहाँ है वहाँ पानी है, ये बिल्कुल पानी है, ये तो पानी है ये, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये पानी कहाँ से आई कहाँ गई वो अब चारों तरफ घूमेंगे तो पता चलेगा। इधर ड्राई है, फिर वहीं तक है पानी, इधर फिर पानी है, मतलब संकेत क्या है, कुछ और दूर जाएंगे तो पता चलेगा। चलो इसको छोड़ते हैं फिर आगे चलते हैं, यहाँ भी बता रहे हैं क्या कारण हो सकता है, थोड़ी थोड़ी दूर में बता रहे हैं पानी। पहले जहाँ पर हम पानी पकड़े वहाँ अच्छा बताया, यहाँ पर फिर बता रहे हैं पानी। हमारे कई साथी फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पानी बताता है, नारियल खड़ी हो जाती है, वैसे आज हमारे साथ भी हो रहा है, तो कारण क्या है। इधर ड्राई चल रहा है, अब इधर नहीं है, वहीं पर जो भी हलचल हुई वहीं पर हुई थी, इधर हलचल फिर यहाँ पर बता रहा है, बड़ा ताज्जुब की बात है यार, ऐसा क्यों है, 4 कदम चलते हैं फिर पानी बताता है, फिर 4 कदम चलते हैं फिर पानी बताता है, फिर इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। चलो क्या कारण है, इसका कारण क्या, 4-4 कदम में बदल रहा है सिचुएशन, यहाँ तक चलते हैं, इधर तो ड्राई है, इधर तो पूरी ड्राई है, इधर तो संभाले नहीं संभलेगी, अब ये तो पूरा ड्राई शुरू हो गया है। पानी वहीं पर बताई, हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कारण वहीं पर क्यों है, अब वो उसका बाकी हिस्सा घूमेंगे ना तब पता चलेगा। यहाँ नहीं आई पानी, वो पानी उधर से उधर कहीं गई होगी, इधर यहाँ पर नहीं आई है, कि पानी वहीं से आके फिर रिटर्न हो गई क्या है। अब हम इस खेत के दूसरे छोर तक जाते हैं तब पता चलेगी, इधर तो ड्राई है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। काम जो भी करो यार मन लगा के करना चाहिए, मन लगा के पढ़ो लिखोगे तो पास भी होते हैं और इंसान आगे भी बढ़ता है, प्रोग्रेस होती है। अवध कचरे मन से करोगे कोई मतलब नहीं है, किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। मीरा बाई कह गई ना, मन लागो रे लगन हरी नाम, बस वही हाल है। एक भजन चलते है ना जिसमें मीरा बाई को दिखाता है अक्सर,
मेरो मन लागो, हाँ वही वाला कंडीशन है। मन किसी भी चीज़ में लगा लो अच्छे से तो कम करता है, हमारा मन इसी में लगा रहता है यार, इसलिए सोते उठते बैठते बस 24 घंटा पानी पानी ही नज़र आता है। तो भाई यहाँ कह रहा था कि वहीं पर क्यों बताया, वहीं पर क्यों बताया, बाकी जगह ड्राई बता रहा है ऐसा क्यों, इधर तो पूरा ड्राई है। वहाँ पर चार चार कदम में पानी बता रही थी, यहाँ पर कुछ नमी बताई है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर सूखा है। इसका कारण क्या है, ये तो पूरा सूखा है, तो पूरा सूखा है यार, तो सूखा है तो पानी गई तो गई कहाँ, उधर एंट्री की है पानी इस खेत में लेकिन वो गई तो गई कहाँ, यहाँ कोई और दूसरी धार भी नहीं आई है, इधर तो पूरा सूखा है। यहाँ नारियल स्थिर हो गई है, बाहर नहीं जा रही है, पतला है सीपेज है, काम की नहीं है। हाँ यहाँ पर है, इसकी धार कहाँ पर है, पानी तो यहाँ से लग गई है। यहाँ पर है आधा पौन का, ज़्यादा नहीं है। उधर जो बताए ना पानी उस किनारे में सीधा ऐसा ही है, ऐसा तो कहीं एक दो जगह से पतली पतली धार के रूप में निकली है, लेकिन वो पानी की पूरी पानी कहाँ गई, पूरी पानी कहाँ गई, ये है भाई जो पानी हम उस हिस्से में देखे थे खेत का, उधर दिखा दे भाई। हाँ उस हिस्से में हम देखे थे, उस हिस्से में जो हम देखे थे पानी की धार, वही धार बीचों बीच आके इधर निकली है, लेकिन वहाँ तीन तो चर्चा कदम में क्यों हुआ ही पानी, उसको बाद में चर्चा करेंगे, वहाँ इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर अच्छा पानी है, यहाँ पर 2 HP का आराम से चलेगा, ज़्यादा तो नहीं। फिर यहाँ पर आ गई हल्का से हलचल, इसकी कारण क्या है, इसको छोड़ते हैं फिर आगे चलते हैं, फिर हम आपको लास्ट हम बताएंगे कारण क्या है। चलिए ये फिर ये हलचल, जैसा कि उधर दो दो चार चार कदम में पानी बता रहा था वैसे इधर भी है, लेकिन कम कम, इधर एक एक ही तो जगह बढ़िया है, बाकी सब इधर पूरा ड्राई आ गया। जैसे उस खेत में पहले ड्राई था उसके बाद से पानी लगा, वैसी है ये भी। इधर हलचल है, इधर हलचल है, इधर यहाँ तो अच्छा पानी है, ऑटोमेटिक खड़ी हो रही, देखना ये संतोष परद पानी है। इस नीम के झाड़ को याद रखना, बस देखो कितनी पानी है यहाँ पर ऑटोमेटिक, ये पॉइंट में धार में पहुँचते हैं, ये है धार, ये है पानी की धार, ये है पानी की धार। कंक्लूसन हम बाद में बताएंगे। चलिए अब हमको बात पूरी समझ में आ गई है, इधर ड्राई है, ये 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 ड्राई है, ड्राई है, पूरा पूरा ड्राई है, पूरा पूरा ड्राई है, पूरा में पूरा ड्राई है, पूरा में पूरा थोड़ा और बचा है, इसको पहले निपटा लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि कारण क्या है इसका। पूरा पूरा ड्राई है, इधर कुछ नहीं है, थोड़ा भी नमी नहीं है, थोड़ा भी नमी नहीं है, पूरा ड्राई है, कुछ भी नहीं बता रहा है इधर, पूरा ड्राई है। अब क्यों नहीं बता रहा है, मेरी बात समझ, उसकी पानी की हलचल, उसकी गतिविधि, उनकी धार मुझे समझ में आ गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको पूरा कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा।
कि ये कारण क्या है। वीडियो थोड़ा से हिले डोलेगा यार, चिंता मत करना, क्योंकि यहाँ कैमरामैन को भी चलने में दिक्कत हो रही है। ड्राई है, ये ड्राई है, ऑटोमेटिक नारियल बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ पर आ गए, चार कदम यहाँ शुरू किया, नमी था, फिर चार चार कदम में पानी मिला एक जगह, लगभग 2 HP तक का, 1.5 से 2 HP तक का पानी मिला, फिर पानी पानी मिला। अगर सब कुछ अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 3-4 HP का पानी हो जाता है। लेकिन फिर आगे गए तो कुछ दूर में फिर पानी मिला, और यही पानी फिर सीधा चली गई। लेकिन हम एक किनारे में पहुंचे, इस खेत के किनारे में, तो वहाँ 3 HP तक का पानी आराम से मिला। तो इसका कारण क्या है बता रहा हूँ, जो 3 HP का पानी बता रहा हूँ ना, वही धार, पानी की धार उधर से बीचों बीच इधर आई है और यहाँ पर आकर वो फैल गई है, और उसी की एक धार है, उसी की एक शाखा है जो उधर से इधर से पानी आके चली गई, इसमें का कुछ हिस्सा उधर वाले धार में भी चली गई, और एक जो बाजू से पानी आई है ना, बताया था थोड़ा सा पानी है आधा पौन, तो वो भी उसके साथ मिलकर उधर चली गई। तो उधर क्या है, वो थोड़ा पानी 2-3 जगह मिला ना बीच बीच में, तो वही पानी है, और वो मेन धार जो इधर से आगे निकल गई, यहाँ पर धार कहीं पर बट गई है। तो पानी की सेंटर पॉइंट इस एरिया में नहीं बनेगा, सेंटर पॉइंट उस एरिया में बनेगा जहाँ पर हम बताए ना, नीम का झाड़ है, छोटा सा पौधा है, बस वहीं पर पानी की धार बनेगा, और बाकी जगह कहीं पर नहीं है, क्योंकि बाकी जो पानी है वही धार आकर इधर फैल गई है, मेन धार वही है। तो पॉइंट लगाना वहीं पर, एक ही धार में लगाना वहाँ, और ऐसे धोखा मत खाना कि यहाँ पर 3-4 धार ऐसे 3-4 धार की गिनती मत उलझना, पानी की उसकी चौड़ाई मोटाई और उसकी गहराई को देखना है और इसकी स्पीड को देखना है। तो पूरी स्पीड वहाँ पर का जो नीम का पौधा है ना, वहीं पर बताया स्पीड, मतलब यहाँ पर स्पीड नहीं है, पानी है, स्पीड नहीं है। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि पानी की धार उस एरिया से होकर आई है, इधर से नहीं, ऐसे नहीं गई है पानी, पानी की धार उधर से होकर आई, इधर बट गई है। तो मेरी बात आपको पूरी समझ में आ गया होगा, किसान भाई इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभवी हैं, प्रैक्टिकल हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा भाई, बिल्कुल बताना। अच्छा लगा हो यार तो सब्सक्राइब कर देना, किसी भी प्रकार की कोई मार्गदर्शन या कोई सुझाव हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, रात्रि में 8 से 9 बजे के बीच। मेरा मोबाइल नंबर है 7000716599। अगर नहीं उठा पाया तो भाई व्हाट्सएप कर देना, बाद में देख लूँगा। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सॉरी भाई को, जय जोहार।